वाहन चेकिंग पर बिखरे नेताजी, पुलिस ने काटा चालान। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विधानसभा चुनाव को लेकर यातायात पुलिस द्वारा की जा रही जांच के कार्यवाही के दौरान विवाद हो गया, जहां वाहन में लगे हुटर पर पुलिस ने रोका तो भड़क उठे नेताजी और पुलिस को धमकी देने लगे। इस पर पुलिस ने भी नेताजी की हेगड़ी निकालने के लिए 3500 रुपये का चालान काट दिया। बताया जा रहा है कि मैहर से कांग्रेस के नेता रामनिवास उर्मिलिया रीवा आए थे और उनके वाहन में हुटर सहित कांग्रेस का झंडा भी लगा था और वाहन में प्रचार प्रसार की अनुमति भी नहीं थी। ऐसे में यातायात पुलिस ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर जब वाहन को रोका तो वो पुलिस से अभद्रता करने लगे। इस पर पुलिस ने नेताजी के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की। बने रहें था खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। गाड़ियों पर चलानी कार्रवाई की जा रही, क्या क्या चीजें जांच की जा रही है और लोग ऐसे मिले हैं जो कार में संदिग्ध अवस्था में? रूटीन चेकिंग है, इस दरमियानी टाइम में भी चूंकि आचार संहिता लगी हुई है तो रूटीन चेकिंग के अंदर ब्लैक फिल्म, गाड़ियों की डिक्की चेक करना, हूटर लगे हुए हैं उनको चेक करना, इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह से कार्रवाई में कुछ लोग से कोई नेता जी मिले थे जो आपको बैठे थे और किसी बात किसके नहीं? मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई के दौरान झड़प तो होती है, लोग बचना चाहते हैं तो आवेश में आ जाते हैं लोग, कुछ नेता प्रवृत्ति के लोग होते हैं आवेशित हो जाते हैं, ये तो सामान्य घटना है। कौन से कहाँ के थे? कोई सतना की गाड़ी थी जिसमें अभी उनका झड़प हुई है, उन्होंने कुछ अभद्र व्यवहार करने का प्रयास किया था, लेकिन उनका चालान किया है, 3500 रुपये का उनका चालान किया है हमारे सूबेदार साहब ने और उसको रिलीज किया। उसके बाद सभी के लिए सामान्य कार्रवाई होगी, जो भी होगा चाहे उसमें आम खास कोई कार्रवाई तो ये कोई खास ही होंगे जो झगड़ा कर रहे थे, जाहिर है इसीलिए उनका चालान तो किया है, सबके लिए समानता का व्यवहार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।